आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप अपनी घर की छोटी मोटी चीज़ों से ही इस थाल को बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखना, अपना प्यार देना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलना आपको ये थाल कैसा पसंद आया, आपको ये थाल कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी डिले के आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये एक थाल ले लेंगे, आपके पास जो भी हो, जिस भी तरीके का हो आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें तो इसको कवर ही करना है। तो मेरे पास ये थाल था, मैंने ये लिया। इसके बाद मैं ये रेड कलर के क्लॉथ से इसको कवर कर दूंगी। जो मेरे पास ये लाल कलर का कपड़ा है वो साटन का है, आपके पास अगर वेलवेट का हो तो वो और भी अच्छा लगता है, तो आप वेलवेट का लेना। अगर नहीं है तो आप किसी भी तरीके का कपड़ा ले सकते हैं। इसके बाद मैं ये पेंसिल से मार्क कर दूंगी ताकि मेरा इधर उधर ना हो और अच्छे से कटिंग हो जाए। मैं गोल ही कटिंग करूंगी ताकि मैं इसको अच्छे से कवर कर पाऊँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी कटिंग हो चुकी है। अब मैं अपने थाल को हॉट गन से बिल्कुल पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए मेरी हॉट गन भी रेडी है और मैं अपने इस थाल को इस लाल कपड़े से कवर कर दूंगी बहुत अच्छे से ताकि ये हटे ना। और ये देखिए मेरा ये थाल पूरा धीरे धीरे कवर हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके बाद मेरी ये प्यारी सी लैस है जो मैं ये नीचे की साइड लगाऊंगी, क्योंकि जब हम थाल को हाथ में लेते हैं तब ये लैस बहुत ही प्यारी लगती है। आप लटकन वाली लैस भी ले सकते हैं जिसमें इस चार मोती वगैरह लटके होते हैं, वो और भी अच्छी लगती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं एक लैस ऊपर से भी लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर से फिर दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी, तो मैं यहाँ पर ये ऊपर से लैस लगाऊंगी। और ये देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है ऊपर से लगने के बाद। अब मैं इसके अंदर एक गोल्डन कलर की लैस और लगाऊंगी, और मैंने पूरी कोशिश की ये बहुत अच्छे से आ जाए, बट नहीं, ये थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी और प्रॉपर तरीके से एकदम गोल नहीं आई, बट इट्स ओके, थोड़ा इधर उधर चलता है। इसके बाद फिर मैंने ये फॉइल पेपर जब फिनिश हो जाता है और ये रोल बच जाता है तो मैं इसको रख लेती हूँ। एज यूजल मैं कहती हूँ एकदम से फेंकना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। तो मैं इसका देखिए थोड़ा सा पार्ट कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे एक रोली और अक्षत इनका एक बॉक्स बनाना है। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने कार्डबोर्ड लिया है, एक बड़ा पीस कट कर लिया, एक छोटा पीस कट कर लिया, और उसके बाद ये शादी का कार्ड था मेरे पास, उसकी मैंने ये कटिंग की और इसको इस पर पेस्ट कर दिया, और इस रोल पर भी मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए पेस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने अंदर की साइड से भी एक कागज लगा दिया है। और इसके बाद देखिए मेरी जो ये कॉर्नर थे वो थोड़े अजीब से लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पर ये एक छोटी सी लेस लगा दी है, और यहाँ पर भी रोल पर भी मैं एक लेस लगा दूंगी, और लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब हम इसको आपस में पेस्ट कर देंगे और ये हमारा एक बॉक्स बनकर रेडी हो रहा है। अब ये स्टोन है मेरे पास, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने इसमें स्टोन लगा दिए। अब देखिए ये पहले से और अच्छा लग रहा है। अब हम इसका कैप बनाते हैं इसको कवर करने के लिए। तो मैंने ये एक फ्लावर लिया है और मैं इसको हॉट गन की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी, और ये बहुत प्यारा लगेगा। पहले मैं सोच रही थी कि इसमें भी स्टोन लगा देती हूँ, बट जब मैंने ये फ्लावर लगाया तो ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। तो इस तरीके से हमारा ये रोली रखने का रेडी हो गया है, और मैंने अक्षत रखने का भी सेम ऐसे ही बनाया, बस उसका जो फ्लावर था वो चेंज कर दिया ताकि हमें पता रहे कि इसमें रोली है और इसमें अक्षत है। तो इस तरीके से देखिए ये हमारे रेडी हो रहे हैं। इसमें भी साइड से ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लेस लगा दिए ताकि ये और प्रिटी लगे। अब हमारा जो मेहनत का काम था वो थोड़ा कम हो गया, अब हम इसको डेकोरेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये दिया रख दिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं, राखी रख दी है, और अब देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए आप फाइनल लुक, मैंने बीच में भाई भी लिख दिया है ताकि ये लगे कि हाँ मैंने ये रक्षाबंधन के लिए बनाया है। अब आप फाइनल लुक देखिए और इन्जॉय कीजिए।
फ्रेंड्स, मेरा प्यारा सा थाल बनकर रेडी हो गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। जब मैं आपके प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, आप ये रक्षाबंधन पर नहीं, किसी भी ओकेज़न पर बना सकते हैं। आप थोड़ा सा चेंज करके इसको किसी भी ओकेज़न पर बना सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर करना और मुझे पिक्चर सेंड करना। आप चाहें तो मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, न्यू रील डालती हूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड हाँ, जिसने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलती हूँ मैं आपसे अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, एंजॉय करना। बाय बाय।